ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं होटल ये कारवा हॉस्टल। तो कारवा हॉस्टल यहीं पे हम मेनली रुकते हैं, तो रूम टूर देता हूँ आपको। सर रूम चाहिए हमें, सर रूम चाहिए। हमारा बैग उठाते हुए चलो 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 ए रामू चल आगे चल, ये ले चाबी पकड़ आगे चलो। अब भी लिफ्ट में सारे कहाँ जाओगे, तुम लिफ्ट से जाओ मैं जा रहा हूँ पैदल। मेन ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, रेट भी ज़्यादा नहीं है, मतलब हमें जो पड़ती है जानकार है जान पहचान है तो हमें 1000 रुपीज़ के पड़ता है, जिसमें हम अपना 3 बंदे आराम से यहाँ पे रह लेते हैं। और ऊपर एक गेमिंग रूम भी है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको भी ना रूम टूर करवाता हूँ। तो ये लड़के हमारे आ गए, गेट खोलो। ये है हमारा रूम, ये है हमारा वॉशरूम साफ सुथरा, ये हमारा बेडरूम और ये हो गई हमारी बालकनी जिसका व्यू कुछ इस तरीके से है। फिर थोड़ा हम घूमने निकले हैं और भाई सही साफ सुथरी दी आपके हाथ में, इसके आगे जो भी जिम्मेदारी होगी आपकी होगी। ओके ठीक है आप जा सकते हैं भाई। ओके भाई भाई एक्चुअली श्रीनगर जाना था तो ये निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ा ऋषिकेश में घूम के आते हैं, बाकी आगे चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको क्या है आगे। फिलहाल मेन रोड में हम चल रहे हैं और अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं क्योंकि ऑफ सीज़न है, सर्दियों में आया ना, ठंड ज़्यादा है नहीं फिलहाल तो, पर रात को बढ़ जाएगी। और अभी हम गंगा किनारे जा रहे हैं तो चलते हैं वहाँ पे कुछ और खाते हुए जाते हैं। एक होली स्पाइसेस मसाला टी मिली तो ये संदीप जी यहाँ पे पी रहे हैं। हट जा मुझे देखने दे भाई कैसे। भाई की इन्होंने ऐसा काम किया कि जितने जो पुरानी पिछली वीडियो जितनी बनी थी वो सारी सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं। एक शिप ले के देखो ना कैसा बना है। एक शिप हम नहीं पिएगा। चलो बढ़िया, बहुत सारी जोर जबरदस्ती के बाद मैं भी पी रहा हूँ। हाँ 30 रुपये वसूल है, 30 रुपये में हम 3 लोगों ने चाय पी, 3 लोगों ने। इस हमारे 14 साल के भाई ने अपने मधुबनी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे होली स्पाइसेस और यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। अब नीचे से हम सीधा जाएंगे गंगा पास। चलो तो ये हम पहुंच गए लक्ष्मण झूला।
होल चक्कर लगेगा। और ये अब हम खाएंगे यहाँ पे झाल मुरी, ये फ्री वाले हैं, फ्री वाले। तो अभी हम लक्ष्मण झूला में हैं और ये देखिए, ये सामने महादेव का मंदिर है। ये जो है इधर से गंगा बन रही है, देवप्रयाग इस तरफ है और राइट में हमारा हरिद्वार। अब हम आ गए नदी किनारे, ये गंगा मैया है हमारी और यहाँ से बोटिंग होती है। ये चोची बंदर हमारे और ये हमारे मेंढक भैया, मेंढक भैया। तो गंगा किनारे हम आ गए, पाप भी हमने धो लिए अपने। अब हम चलते हैं जरा ऊपर, थोड़ा खाने का देखते हैं या और फिर कल मॉर्निंग का बताते हैं क्या है, मतलब बताते हैं क्या है, शायद राफ्टिंग हम करेंगे तो कल का कल ही देखते हैं। फिलहाल के लिए आ गए, थोड़ी जब अंधेरा होता है उसके बाद जो लाइटिंग होती है उसके बाद यहाँ का एटमोसफेयर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखिए ये जो पुल है ये हिल रहा है। मॉन्ग कैफे, तो हम यहाँ जाते हुए हमारे संदीप भैया आज यहाँ पेमेंट करेंगे सारी। हम आ चुके हैं द मॉन्ग कैफे, एम्बियंस बहुत प्यारा है यहाँ का, कोने में के मिल चुकी है यहाँ से ओपन पूरी खिड़की, यहाँ से पूरी खिड़की ओपन क्यों और मस्त हवा का वेंटिलेशन, बाकी कैफे काफी अच्छा है। काफ़ी अच्छा है, बाकी कॉस्ट की अगर बात करें तो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा कुछ ऐसा हाई कॉस्टिंग नहीं है, मीडियम बजट रेस्टोरेंट कम कैफे यू कैन से। बाकी शायद पीने का भी जुगाड़ यहाँ मिलता है क्योंकि जब हमने पूछा था तो भैया अटक से गए थे थोड़े। तो चलिए अब हम इंतज़ार करते हैं खाने का। तो ये रही हमारी कोल्ड कॉफ़ी, हाका नूडल्स, पीता पिट्टा, कुछ ये पिट्टा पिट्टा करके है कि पैनकेक है, पैनकेक हमारे पेंडिंग है तो ठीक है शुरू करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा बनाना पैनकेक भी आ चुका है और खाना काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं और बिल्कुल अब दमाग। कैफ़े जो है द मॉन्ग कैफ़े है ये, जब हम लक्ष्मण झूला की तरफ आते हैं तो वहीं पे ये पड़ता है। तो एक मिनट की, हाँ ठीक है, आप में से अगर कोई कभी है तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से चेकआउट करते हुए कितना, 700 डिनर तो नहीं बोलेंगे बट हाँ इवनिंग स्नैक्स टाइप वो हमने थोड़ा बहुत खा लिया है। व्यू देखो अंदर का, यहाँ से कैफे काफ़ी अच्छा है, खाना भी अच्छा है,
बाकी अब हम चलते हैं अपने रूम में। तो ये है मधुबनी हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ इंडिया विद नेचुरल पिगमेंट्स। मैं खिलाऊंगी सबको। ठीक है जी, आई एम गेम। भैया बनाते हैं वहीं से, गया से अपना मधु। आप भी आर्टिस्ट हो क्या? अच्छा फैमिली ना? नहीं नहीं, आ जाओ भाई साहब। तो ये है पूरा बना है पाम लीव्स में, पूरा फोल्ड हो जाता है इस तरीके से, रोल हो जाता है। ओके ठीक। इनकी क्या कॉस्टिंग है? पूरा इंक से बनाता है ये। इनकी क्या कॉस्टिंग है? ये सर 4000। ठीक। ये ने जो 2000 की दुकान पे ज्यादा 2200 वाइब सेट कर रखे हैं वो डिफरेंट लेवल के हैं। अलग ही लेवल वाइब है भाई। तो बुल्ला सा ना अंदर भर के हो गया। अब ये देखो आजकल ये बड़े नवाब के हो रहे हैं, बास्किन रॉबिन से नीचे बात ही नहीं कर रहे। यार अच्छी बात नहीं, लो लो यार मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं यार, तुम बुरा मानते हो। ये ले भाई, मार दो इसे। हो गई बेइज्जती? क्या बेइज्जती, मैंने पिछली बार भी करी थी ऐसा। यार ये खाया नहीं जा रहा, कैमरा बंद करके खाता हूँ। सो फाइनल बैक टू द होटल, और ये है यहाँ का गेमिंग रूम। पूल और बाहर अपना चिलिंग चल रही है, चिलिंग। वाज गुड, दिन अच्छा था। मॉर्निंग में हम श्रीनगर से ऑलमोस्ट 12-12:30 बजे के आसपास निकले, और यहाँ पे हम 3:30-4 के आसपास पहुँच गए थे धीरे धीरे। बाकी ऋषिकेश घूमे थोड़ा, और कल का हमारा राफ्टिंग का प्लान था, बट अभी सुनने में आ रहा है कि शायद कल मार्केट बंद रहेगी, क्योंकि अपना विपिन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शायद कल मार्केट बंद रहेगी। तो राफ्टिंग का फिर हम कल ही देखते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट।